हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग्स में। सुबह का 9 बज चुके हैं हमारी ओर से, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो हम लोग अभी साइट में जाएंगे और देखेंगे जो सेंटरिंग का, अल्मुनियम सेंटरिंग से कैसा घर बनता है। उसमें दोस्तों चिनाई प्लास्टर का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ सरिया और कंक्रीट रहेगा। तो आप लोग बने रहिए, मैं वो दिखाऊंगा। तभी हम लोग जा रहे हैं साइड की ओर, वहाँ जाके आप लोग से मिलते हैं और दिखाते हैं। ये पैसे जो ये रास्ता आपको आने जाने का, ये रास्ता रहे जैसे उधर यूनिट है, उधर यूनिट है, उधर यूनिट कितना बड़ा है, ये यूनिट का हमने आपको दिखाया। अभी घर देखेंगे जो अल्मुनियम सेंटरिंग से भी बना है ना, देख सकते हैं ये अल्मुनियम सेंटरिंग का दीवार से बना है। ऑलरेडी सरिया और कंक्रीट है इसके अंदर, देख सकते हैं कितना सुंदर है। हम पूरा इमेज एक दिखाते हैं, देख ये हॉल गला हो गया, देख हॉल गला कितना सुंदर, देख सकते हैं, देख ये हॉल गला हो गया। हम इस रूम में जाएंगे, ये बेडरूम में, ये बेडरूम का देख लीजिए कितना अच्छा सा ये बेडरूम है। और ये बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम हो गया, जो कि टॉयलेट बाथरूम का काम चालू हो चुका है। देख सकते हैं जो ऊपर से पूरा सेटिंग हो रहा है, पाइप का, सीट वगैरह का। ये हो गया आपका टॉयलेट बाथरूम। फिर हम लोग चलते हैं हॉल गला में, बाद में हम लोग इधर जाएंगे इसमें। ये आपका हो गया किचन, देख सकते हैं जो किचन कितना सुंदर है। अभी बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का पूरा नज़ारा देख लीजिएगा। किचन रेडी नहीं हुआ है, मतलब प्लम्बर का काम हुआ है, यहाँ से आपका स्लैप आ जाएगा जो चूल्हा दुल्हा के लिए। हम चलते हैं उधर, उधर बेडरूम बाथरूम में। फर्स्ट में देख सकते हैं कि बाथरूम का काम चालू है, स्लैप के बाद अभी सीट फिट लगा नहीं है। तो हम चलते हैं बेडरूम की ओर, इधर बेडरूम है आपका, ये बेडरूम हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छा है पूरा बेडरूम। सिलाप पूरा रेडी है। हम लोग आइए दूसरा बेडरूम में चलते हैं, बेडरूम, एक बेडरूम ये हो गया, देख सकते हैं यहाँ से खुला नज़ारा देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो आप अभी इसमें आइए और इसमें काम बचा है सिर्फ पीओपी और पेंट, पीओपी पेंट होगा और नीचे पत्थर लगेगा या टाइल लगेगा, ज़मीन में टाइल लगाइए या पत्थर लगाइए और पीओपी और पेंट कीजिए और पूजा करके आइए। तो ये था एक मायवन से बना हुआ घर, जो कि मायवन सेंटरिंग से लगा हुआ था। तो बस आप लोग को मैंने दिखाने का प्रयास किया, आप लोग देखिए और कैसा लगा कमेंट कीजिए सभी चीज़, जो अच्छा है, क्या है, कैसा है, नहीं है, हम दिखाए और आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए और शेयर कीजिए जितना हो सके। जो जो लेंगे या जिनको जिनको देखना होगा तो देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए और कैसा लगा लाइक कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा ये मायवन सेंटरिंग से बना हुआ घर, बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।